ढोल भी बजाना चाहिए, बाजे भी बजाने चाहिए, सिलेंसर भी उतारना चाहिए, सारे काम करना चाहिए। यही हमारी ट्रेडिशन है, ये सकाफत है, ये हम करेंगे तो ही लोगों को पता चलेगा कि भाई हम लोहरिया, लोहरिया ऐसे ही होते हैं। मैं आपको सच बताऊं, यहाँ पे जितने लोग खड़े हुए ना, इनमें से 99% लोग हैं जो अपने जातीय बावजदाद के लिए भी दुरूद नहीं पढ़ते, उनके लिए किसने पढ़ने हैं। बुराक न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है, जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज का दिन? कल से तो सोए हुए थे, लेकिन आज अभी उठ के थोड़ी सी वो एक होता है ना, कौमी गैरत ने जगाया कि यार उठ के बाहर जाना चाहिए, तो इस वजह से उठ के बाहर आ गए, वरना आने जाने का प्लान कोई नहीं था। लेकिन क्या करें, मुल्क हमारा ही है, सारा कुछ करना पड़ता है, मामला खराब हो जाते होते हैं, लेकिन फिर भी आफ्टर ऑल कंट्री तो हमारी है ना, कुछ भी कर सकते हैं। ये जो तूते वगैरह बजाए जा रहे हैं, इसके ये इसके फजाइल जी हैं कि ये देखें, ये एक हर कौम का ना एक तरीका होता है अपना सेलिब्रेशन का। हमारा तरीका, हम लोग पंजाबी हैं, हमारा तरीका, हम शोर मचाते हैं, जब तक हम लोग शोर ना करें हमें मजा नहीं आता। तो ये बजाने चाहिए, जैसे लोग कहते हैं ना कि यार क्यों बजा रहे हो, गलत करते हैं, भाई ढोल भी बजाने चाहिए, बाजे भी बजाने चाहिए, सिलेंसर भी उतारने चाहिए, सारे काम करने चाहिए। ये हमारी ट्रेडिशन है, ये सकाफत है, ये हम करेंगे तो ही लोगों को पता चलेगा कि भाई हम लोहरिया, लोहरिया ऐसे ही होते हैं जी। फजाइल बताने चौदह कर। देखिए यार, ये एक तो सबसे पहली बात यह है कि ये हमारा एक कौमी दिन है, आज के दिन हमें जब आज़ादी मिली है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। ठीक है, मामला कुछ इस तरह के हो गए हैं कि हम उसको उस तरह से नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी अपनी आज़ादी को, जो कौमें अपनी आज़ादी की और अपनी आज़ादी की रू रवा को भूल जाते हैं, तो वो उसको कभी भी जो है ना, आप उसको अपनी कौम को एज ए कौम नहीं लेके चल सकते, वो ख़त्म हो जाएगी। तो अपने जो इस तरह के दिन हैं, 23 मार्च हो गया, 14 अगस्त हो गया, 9 सितंबर हो गया, ये तमाम हमारे ऐसे दिन हैं जिनको अगर हम साथ लेके चलेंगे तो ही हमारी कौम आगे जा सकती है। अगर इस दिन हम ये तूते छूते बजाने के बजाय हम अपने उन लोगों के लिए दुआए मगफरत करें जिन लोगों ने इस मुल्क को बनाने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे आबाओ अजदाद ही हैं जी, इसके अलावा हम दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं, हम नवाफल भी पढ़ सकते हैं शुक्राना के, वो तरीका बेहतर नहीं है? मैं आपको सच बताऊँ, यहाँ पे जितने लोग खड़े हुए ना, इनमें से 99% लोग हैं जो अपने जातीय आबाओ अजदाद के लिए भी दुरूद नहीं पढ़ते, उनके लिए किसी पढ़ने हैं। तो ये जो है, ये एक शुगल मेला है, ये हमारे इस कौम के अंदर क्या है, रोज सुबह उठो पेट्रोल पंप पे जाओ तो पेट्रोल महंगा होता है, अगले दिन बिल आता है, पता चलता है जी पिछली दफा हमने 200 यूनिट लाए थे तो 10,000 बिल आया था, इस दफा 14,000 आ रहा है, अगली दफा चले जाओ जी वहां से आपको कभी कोई चीज महंगी, कभी कोई चीज महंगी, खुशी की कोई घड़ी नहीं है। ये एक आधा दिन ऐसा आता है यार, वो तो सेलिब्रेट करने दोगे, उसके अंदर भी आपने कोई ना कोई वजह शिवाज शिव कहता है मड़बूसा डाल देना आपने उसके अंदर भी, तो वो आपकी मर्जी है, तो उसकी जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं जाएगा मतलब इस समझ यही मुझे 14 अगस्त के फजाइल बताने। 14 अगस्त को हमारा मुल्क आजाद हुआ था, बस इसके आगे कुछ भी बात इतना ही ज्यादा, कुछ नहीं पता, सब खत्म, सब खत्म। अच्छा, ये जो तूता बजा रहे हैं, इसके क्या फजाइल है? ये तो वैसे ही चिल करने के लिए, मजे करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, बस चिल एंजॉय करने के लिए।